सब्सक्राइब कीजिए हुमाइन द किचन चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए इजी और शॉर्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी मिल्की कॉर्न की रेसिपी। और एज़ कम्पेयर के आप सादे पानी में बॉयल करें, ये जो मेरी रेसिपी है ये उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी भुट्टा बॉयल होता है और इजी भी है। सिर्फ 15 मिनट में होममेड मज़े का ये भुट्टा तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले एक बड़ी देगची लें, उसमें कॉर्न ऐड कर दें, साथ में 5 से 6 कप पानी शामिल कर दें और फिर ऐड करें 2 टेबलस्पून मक्खन यानी कि बटर और फिर 1/4 कप दूध ऐड कर दें। 1 टीस्पून शामिल कर दें नमक और इसको ढक के आपने मीडियम हाई हीट पे 15 मिनट के लिए बॉयल करना है। यहाँ पर एग्जैक्ट 15 मिनट मैंने कॉर्न को जो है वो बॉयल कर लिया है इस बटर सॉल्ट और दूध वाले पानी में। ये बॉयल होके तैयार है, इसको बस पानी में से निकाल दें। ये जो पानी है इसको आप डिस्कार्ड कर दें। कॉर्न यहाँ पर तैयार है, अगर आपने बच्चों को देना है तो आप इसके ऊपर बस थोड़ा सा बटर लगाएं और थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके दे दें। इसको ज़्यादा स्पाइसी ना करें, यह ऐसे भी खाने में बहुत मज़े का बनता है। और अगर आपने खुद के लिए इसको प्रिपेयर करना है तो आप अपनी कोई भी फेवरेट सीजनिंग इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने इसको क्लासिक कॉम्बिनेशन पर ही रखा है, विच इज़ इसके ऊपर बटर लगाया है, चाट मसाला, या फिर एक लेमन लेके उसको चाट मसाले में इस तरह से लगाएं और फिर भुट्टे के ऊपर लेमन जूस को आप स्क्वीज़ कर लें और फिर इसको इंजॉय करें। अभी कुछ दिन पहले मैंने जो भुट्टा खाया था उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल की केजून सीजनिंग, तो अगर आपके पास वो है तो उससे भी आप इसको ट्राई करें, बहुत मज़े की लगती है सीजनिंग। तो ट्राई करें इस रेसिपी को और ट्राई करके इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करें इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम है हुमा इन द किचन। मुझे तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।